हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, एकदम टेस्टी और स्पाइसी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पे पैन या कढ़ाई डालकर गरम कर ले। इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को बढ़िया से गरम कर लेना है। इस तरह से लंबे लंबे पीसेज में हमने प्याज को कट कर लिए हैं। तेल को बढ़िया से हाई फ्लेम पर गरम कर ले। इस तरह से चेक कर ले तेल बढ़िया से गरम हुआ या नहीं। इसके बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को। अब देख पा रहे हैं प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम 4 से 5 लहसुन के कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा तेल में डालकर फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे तो बढ़िया टेस्ट आएगा मसाला में। 1 मिनट तक इसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेना है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देख पा रहे हैं हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस प्याज और लहसुन अदरक को बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से मिक्सर जार में डालकर सभी को बढ़िया सा, इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही पेस्ट बना ले। इस तरीके से दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। अब इसे हम बाहर एक बाउल में डाल लेंगे। इसी मिक्सर जार में 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालें। पानी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी के ही पेस्ट बना लेना है। इस तरह से अब देखिए पेस्ट हमने बना लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। तेल को लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। उसी तेल में बनाएंगे जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किए हैं। अब इसमें हम कुछ खारा गरम मसाला डालेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और काली मिर्च, सभी को एक साथ इस तरह से डालकर 1 मिनट तक पका लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो ही रखें। अब हम मसाला ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इस तरह से ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही रखे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसके बाद हम जो टमाटर का पेस्ट बनाए थे इसे भी इसमें डाल देंगे। कश्मीरी मिर्च डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा। अब देख पा रहे हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मिक्स कर ले ढककर लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट तक मसाले को पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इसे हम खोलकर अब देख पा रहे हैं मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। इसी तरह 2 मिनट तक मिक्स करते हुए टमाटर को बढ़िया से पका लेना है। टमाटर का जो कच्चा फ्लेवर है सब बाहर आ जाए। इस तरह से 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेना है। जब तक पकाना है मसाले से तेल अलग हो जाए। अब देख पा रहे हैं अब हम मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टमाटर के साथ इस तरह से मिक्स कर लेना है बढ़िया से। इसके बाद हम भुने हुए प्याज का जो दरदरा पेस्ट बनाए थे अब इसे हम ऐड कर लेंगे मसाले के साथ। इस तरह से अब देख पा रहे हैं मसाले का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह मिला लें मसाले को। इसके बाद हम उसी बोल से थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसी तरह से बढ़िया से 2 मिनट तक मिला लें मसाले को। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपको फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा।
इस तरीके से पनीर की सब्जी आप पार्टी या फंक्शन कोई त्यौहार में भी बना सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर ले, ग्रेवी के हिसाब से। ग्रेवी कम पसंद हो तो कम डालें, ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। हम थोड़ा ग्रेवी वाला बना रहे पनीर। इसके बाद हम थोड़ा सा, अब देख पा रहे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। इस तरह से पनीर के छोटे छोटे पीसेज कट कर लिए हैं। सभी पनीर को डालकर बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से मिक्स कर लें। इसके बाद 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पनीर में। इसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, पनीर मसाला पाउडर। इसके बाद हम ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेना है। 5 मिनट तक हमने पका लिए हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कलर, देखने से ही कितना टेस्टी है लग रहा है। इसके बाद हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। बढ़िया से मिला दे इस तरह से। इसके बाद हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर दे और ढक्कन लगाकर लगभग 5 मिनट तक इसी तरह रहने दे। अब देख पा रहे हैं पनीर की सब्जी बनके हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स, अब हम सर्व कर लेंगे। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।